डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर, आज लेक्चर 1 बाइलिंगुअल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पोएम को रिवाइज कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है द फाउंटेन। स्टूडेंट्स इस पोएम को लिखा है जेम्स रशेल लोवेल ने, जिसको आप जे आर लोवेल भी लिख देते हैं। स्टूडेंट्स ये रिवीजन लेक्चर है और इस लेक्चर को हम पूरा करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू, जो कि आपको एक्सट्रैक्ट या स्टेंजास में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ टू कंटिन्यू योर लेक्चर्स एंड टू कंटिन्यू योर सिलेबस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट टू अस। Now students, let's begin lecture number 1, bilingual lecture, The Fountain. Students, the poet is inspired by the sight of the fountain that looks beautiful during the day and night. कवि फाउंटेन के दृश्य को देखकर बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं, और ये जो फाउंटेन है ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है दिन के दौरान, रात के दौरान, और ये हमेशा ट्राई करता है स्टूडेंट्स हमेशा ऊंचाइयों की तरफ जाने को। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो फाउंटेन है वह पोएट को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है अपनी खूबियों से। तो स्टूडेंट्स हमें इस पोएम में देखना है कि पोएम के अंदर द फाउंटेन में फाउंटेन की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, और वह विशेषताएं किस किस समय में आती हैं और कैसे वह पोएट को प्रेरित करती हैं। इट हैज़ नेचुरल एनर्जी, इसके अंदर एक नेचुरल एनर्जी है, प्राकृतिक ऊर्जा है, विच नेवर फेड्स आउट, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी नहीं मुरझाती या जो कभी कम नहीं होती। अर्थात फाउंटेन हमेशा लगातार एनर्जी में रहता है, क्रियान्वित रहता है। नो वन कैन टेम इट, इसे कोई भी टेम मीन्स कंट्रोल नहीं कर सकता है। द पोएट ड्रॉज अ लेसन फ्रॉम द फाउंटेन एंड सेज, पोएट इस फाउंटेन से एक शिक्षा लेता है और हमें भी बताते हैं दैट पीपल शुड ऑलवेज एस्पायर, एस्पायर मीन्स अ विश टू गो हायर, कि लोगों को हमेशा ऊपर उठने का सोचना चाहिए। फॉर हायर अट्रीब्यूट्स येट रिमेन स्टेडी एंड कंटेंटेड, और हमेशा ऊंचा जाने के जो गुण हैं वो उनको लेने चाहिए, और साथ साथ इसके लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि रिमेन स्टेडी एंड कंटेंटेड, कि वह इस कार्य में लगातार बने रहें और संतुष्ट रहें। कहने का सेंस यह है कि कोई भी कार्य अगर आप ऊंचा जाने के लिए कर रहे हैं तो वह लगातार किया जाए और वह पूर्ण शांत मन और संतुष्टि के साथ किया जाए। आइए देखते हैं पहला स्टैंजा, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। देखिए जो हमारी लाइफ है उसको फाउंटेन से कंपेयर किया गया है इनडायरेक्ट में। हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारी लाइफ के अंदर कभी खुशी कभी गम आते हैं, तो इन खुशी और गम को पोएट ने अलग अलग तरहों से दिखाया है। खुशी को मान लीजिए कि सवेरे से दिखाया है, शाइनिंग ब्राइट से दिखाया है, और गम को उन्होंने रात से दिखाया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, वो हमें फव्वारे से सीखना है। हमारे जीवन में जब बहुत अधिक खुशियाँ हों तो हमें सीखना चाहिए कि हम बैलेंस में रहें और तब भी लगातार सतत प्रयत्न करते रहें। आइए देखते हैं पोएम द फाउंटेन में, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। जब सनशाइन होती है, सूर्य पूरे तेज के साथ चमक रहा होता है, तो जो फाउंटेन है वह फुल ऑफ लाइट होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स जंपिंग, एंड फ्लैशिंग एंड शोइंग लाइट, डिस्प्लेइंग लाइट, फव्वारा कूद रहा होता है, एनर्जेटिक होता है, चमक रहा होता है। From morn, morn means morning, till night means रात, और फव्वारा सुबह से लेकर रात तक full of activity रहता है, चमकता रहता है, दमकता रहता है, कार्य में लगा रहता है। तो students पहला stanza बताता है कि सूरज की रोशनी में फव्वारा रोशनी से परिपूर्ण होता है, leaping वह उछलता रहता है अर्थात गतिमान रहता है, flashing प्रकाश
छोड़ता रहता है और यह काम वह सुबह से उस समय तक करता है जब यह सूर्य छिप नहीं जाता और रात नहीं हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन इज द फाउंटेन फुल ऑफ लाइट? तो आपका आंसर होगा इन द सनशाइन या ड्यूरिंग द सनशाइन द फाउंटेन इज फुल ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, फिर आपसे पूछा जाएगा व्हेन डज द फाउंटेन लीप एंड फ्लैश? देन यू विल से द फाउंटेन लीप्स एंड फ्लैशेज। जब आपको क्वेश्चन स्टूडेंट्स डज से किया जाए तो आप एस और ई एस वर्ब में लगाकर आंसर देते हैं, और जब आपसे क्वेश्चन डू में किया जाए तो फिर आप वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाते। तो इस तरह से आपके सामने आंसर आ गया, व्हेन डज द फाउंटेन लीप एंड फ्लैश? आपका आंसर होगा द फाउंटेन लीप्स एंड फ्लैशेज फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, आपको आंसर में मॉर्न नहीं लिखना, मॉर्निंग लिखना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच वर्ड्स राइम इन दिस स्टैंजा। तो स्टूडेंट्स, आप लिखते हैं लाइट राइम्स विद नाइट। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं स्टूडेंट, जो दो वर्ड्स किस स्टैंजा में मैच खाते हैं आखिरी वाले, तो वे वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। राइमिंग वर्ड्स को समझने के लिए मैं आपको एक बच्चों की छोटी सी हिंदी की पोएम बताता हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो रानी है और पानी है, ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, डर जाएगी और मर जाएगी आपस में राइम कर रहे हैं। तो इसी तरह से बोर्ड में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि विच वर्ड्स राइम, तो जो आपको मैचिंग के लगें, तुकबंदी वाले लगें, उनको लिख दीजिए एक साथ। तो यहाँ पर क्या है, लाइट एंड नाइट, तो आप लिख देंगे द वर्ड लाइट एंड नाइट राइम्स टुगेदर। इनको लिखना कैसे है, ये जो हम आपको सॉल्यूशन भेजते हैं उस सॉल्यूशन में इसका प्रेजेंटेशन बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आपको मार्क कोटेशन मार्क लगाना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कैसे हाईलाइट करना है, कैसे वर्ड्स को सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट, जब भी आपको अपने आंसर्स हमसे चाहिए हो तो प्लीज़ आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ करके वो आंसर्स हमसे ले सकते हैं। इनटू द मून लाइट, स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे थे सनशाइन की, अब रात हो गई है, अब फव्वारे को हमें रात में देखना है। तो रात में फव्वारा कैसा दिखता है, इनटू द मून लाइट फव्वारा चंद्रमा की रोशनी में वाइटर देन स्नो, वाइटर ये पॉजिटिव कॉम्पेरेटिव डिग्री है, देन स्नो, स्नो मीन्स बर्फ। आपने देखा होगा कि बर्फ जो पहाड़ों पर जमी हुई होती है बिल्कुल सफ़ेद होती है, तो दूध जैसी सफ़ेद हम आमतौर से हिंदी में बोलते हैं। तो चांद की रोशनी में, एक तो चांद की रोशनी भी वाइट है, फिर बर्फ भी वाइट है, तो वो वाइट से भी वाइटर हो गई, ठीक है ना। तो जो दूसरा हमारा डिग्री है कॉम्पेरेटिव डिग्री, तो यानी वाइटनेस का जो लेवल है वो बढ़ गया, और वाइटेस्ट मीन्स सबसे सफ़ेद। तो यहाँ पर जो वो स्नो अपने आप में वाइट थी, मून लाइट पड़ी तो वो और वाइट हो गई, तो और के लिए हम ER लगा दिया हमने, वाइटर हो गया। तो चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद नज़र आता है। दोनों लाइन क्लियर हो गई होंगी। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, अब दूसरी बात यह है कि जब हवा चलती है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो ये कैसा दिखता है, वेविंग, हिलता हुआ, सो फ्लार लाइक, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फूल हिलता है। आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो फव्वारा लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में, इधर उधर इस तरह के मोशन में ऐसे 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 आगे पीछे हिलता हुआ आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपने टू क्वालिटीज़ और पाली फव्वारे की, कि क्या चंद्रमा की रोशनी में जो फव्वारा है, जिसे फुहारा भी आप कह सकते हैं, वह बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद नज़र आता है, और कैसा लगता है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, और ऐसे झूमता हुआ, वेविंग ऐसे हिलता हुआ नज़र आता है जैसे मानो कोई फूल हिल रहा हो। तो इसमें स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट? देन यू विल आंसर द फाउंटेन लुक्स लाइक वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। हाउ डज द फाउंटेन एनिमेट मीन्स कि कैसे हरकत करता है, कैसी एक्टिविटी करता है, तो आप लिखेंगे इट वेव्स लाइक अ फ्लावर। जब हवा चलती है, विंड्स में हवा, ब्लो मीन्स चलती है, चलने के लिए स्टूडेंट्स हवा के चलने के लिए ब्लो लगाते हैं, ठीक है, कार के चलने के लिए ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, और
गति में आने के लिए एक्टिवेट लगाते हैं, तो हर चलने की इंग्लिश अलग होती है, तो हवा के चलने के लिए याद रखिएगा ब्लो लगाते हैं, तो व्हेन द विंड्स ब्लो। स्टूडेंट्स अगर आपके व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो उसका मतलब जब होता है, अगर व्हेन के बाद सब्जेक्ट आ गया है तो या ऑब्जेक्ट आ गया है, एक्टिव या पैसिव है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती व्हेन के जस्ट बाद में तो वह जब सेंस देता है। तो हम यहाँ कब नहीं पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ डिड डू डज हैव हैज हैड नहीं है। तो जब हवा चलती है तो फव्वारा कैसा दिखाई देता है, फूलों के जैसा दिखाई देता है। अब देखते हैं, आपसे स्टूडेंट्स पूछा जाएगा हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो हमने सबसे पहले आपको दिखाया था हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, जेम्स रशेल लॉवेल, मीन जे आर लॉवेल इज द पोएट ऑफ द पोएम, ठीक है। एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। स्टूडेंट्स नेम लिखना सूटेबल नहीं है, अगर नेम आता है तो ठीक है, हम भी नेम लिख लेंगे बोर्ड में, बट प्रॉपर वर्ड है टाइटल। तो द टाइटल ऑफ द फाउंटेन इज, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन। अगर आप इसको अपने कैपिटल और स्मॉल में मिक्स करके लिखना चाहते हैं तो जो आपका टी है वो कैपिटल बनेगा, एच ई स्मॉल, एफ कैपिटल, ओ यू एन टी ए आई एन ये स्मॉल बनेगा, और चाहे तो आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अब आता है कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें मैच करते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स इसमें, सॉरी मैच नहीं, राइम करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर स्नो, इसके अंदर स्नो और ब्लो आपस में राइम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे चलिए इतना ही रहने देते हैं, ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो आपको ये आपके दो स्टेंजाज इस वाले लेक्चर में पूरे हो गए हैं। अगले लेक्चर में आप दो या दो से ज़्यादा जितने भी स्टेंजाज आते हैं हम देखेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम द फाउंटेन पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और स्टूडेंट्स इस पोएम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और सारे लेक्चर्स जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं सबसे पहले पाने के लिए आपको ये करना है, ताकि आपका सिलेबस सबसे पहले पूरा हो। धन्यवाद।